हरदा की टिमरनी पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए से ज्यादा की देसी शराब जब्त की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नानपुरा गांव में एक खेत के टप्पर पर काफी मात्रा में अवैध देसी शराब रखी है, जिसके बाद टिमरनी थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई की। मौके से 32 पेटी देशी शराब जब्त की है। आरोपी पवन गौरा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त की गई शराब की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस थाना टिमरनी के अंतर्गत ग्राम नांदरा आता है, वहाँ पे गत रात जो है पुलिस थाना टिमरनी और चौकी करताना को उपनिरीक्षक अविनाश भारती के साथ हमने मिलकर दबिश दी थी और दबिश में जो है कुल जो है 32 पेटी अवैध देसी प्लेन शराब की मिली है। आरोपी जो है पवन गौरा को गिरफ्तार किया गया है, जिसपे 34-2 का प्रकरण कायम किया गया है और इस प्रकरण में जो है करीब 288 लीटर देसी प्लेन शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए है। आरोपी के कौन कौन साथी थे और कौन कौन इसको अवैध शराब के धंधे में मदद करते थे और कहां से ये दारू आई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।